सबसे पहले आपको सोनू जी बहुत बहुत बधाई आपके स्टूडियो में आए, आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। कुंभ की तैयारियाँ चल रही हैं और हरिद्वार में महाकुंभ पर बहुत धूमधाम से का आगाज हो रहा है। शाही स्नान की तैयारियाँ चल रही हैं। पहले तो मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को महाकुंभ के शाही स्नान की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के बीच में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबाई फुले जी का जन्मदिवस भी है। महात्मा ज्योतिबाई फुले जिन्होंने अनेक संघर्ष किए, समाज को जगाने का कार्य किया, शिक्षा पर ज्यादा अधिक से अधिक जोर दिया, अपनी पत्नी को स्वयं पढ़ाया सावित्री बाई फुले को, महिलाओं की शिक्षा के लिए लगातार निरंतर प्रयास किए, वो एक बहुत अच्छे समाज सुधारक, प्रखंड विद्वान, अच्छे विचारक, अच्छे दार्शनिक रहे हैं, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी समाज की कुरीतियों को दूर करने का निरंतर प्रयास किया है। इस महान शख्सियत के जन्मदिवस पर भी मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के साथ साथ 14 अप्रैल को संविधान निर्माता और ज्ञान के दाता, समानता दिवस के जनक और संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ऐसे महान व्यक्तित्व सदियों में ही जन्म लेते हैं, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में इतने कठिन समय में अपनी शिक्षा को भी सहजता से हासिल, कठिनाइयों से हासिल किया और उसमें बहुत सहजता दिखाई और समाज को निरंतर जोड़ने का प्रयास किया है। जो पिछड़ा समाज है और दलित समाज है उसको उनके अधिकारों को दिलाने का प्रयास किया है। उन्होंने निरंतर समाज के ऐसे गिरे दबे कुचले समाज को के उत्थान के लिए कार्य किया है, जिनको लोग, कुछ समाज के कुछ वरिष्ठ व्यक्ति जो अपने आप को समाज के ठेकेदार समझते हैं, उन्होंने वो पास तक नहीं बैठने देना चाहते थे। आज सभी सर्व समाज को एक लाइन में ला करके खड़ा करने का जो कार्य किया है उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रहा है। कहने को तो बहुत कुछ विषय हैं उनके बारे में। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई, उनका 38 बहुजन समाज पार्टी का 38वां जन स्थापना दिवस भी हम 14 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं। उसकी भी मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप जन्मदिवस मनाइए, बड़ी शालीनता से मनाइए, स्थापना दिवस भी सभी अपने घरों में मनाइए और सभी से अपील करता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिवस को दीपोत्सव के रूप में मनाएं, सभी अपने घरों में दीपक जलाएं। जैसे हम दीपावली पर दीपक जलाते हैं ऐसे ही इसे भी हम दीपोत्सव के रूप में मनाएं, ये मैं सभी से अपील करता हूँ। कोरोना जैसी महामारी निरंतर फैली हुई चल रही है, COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। COVID-19 के नियमों का पालन करें, शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए आने वाले 3-4 दिनों के जो उत्सव हैं बड़ी धूमधाम से मनाएं, शालीनता से मनाएं, भाईचारे से मनाएं, यही मैं सभी से अपील करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।